में गत दिवस एक 45 वर्षीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खून से सनी घर पर पड़ी मिली थी, जिसका आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्त में आ गया है। आपको बता दें कि 4 नवंबर को शिकायतकर्ता देवशरण शर्मा निवासी देवपुरा ने गंडई थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर ताला लगा हुआ था, जिसकी दूसरी चाबी घर के अंदर थी। जब पड़ोस के लड़के को दीवार फांद कर घर के अंदर भेजा गया, तब खुलासा हुआ कि घर के अंदर उसकी पत्नी सरोज मृत अवस्था में पड़ी थी, सिर से काफी खून निकल रहा था। पास पड़े खटिया के खुरा में भी खून के निशान थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच तफ्तीश शुरू की। इस दौरान खुलासा हुआ कि घर के बाहर उसके दामाद विजय मिश्रा को मोटरसाइकिल में देखा गया था। मृतिका के दामाद को तत्कालिक चोटें भी आई थी, जिससे पूछताछ करने पर पता चला कि अपनी सास सरोज शर्मा से पैसे मांगने का दबाव बना रहा था। मृतिका द्वारा पैसे देने से इनकार करने से गुस्सा होकर पास में पड़े लकड़ी खुरा से बाएं कान के पीछे वार किया था, जिससे सरोज शर्मा की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी। आरोपी दामाद घबराहट में घर के बाहर ताला लगाकर चाबी लेकर वहां से भाग निकला, जिसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। वहीं पुलिस ने वारदात में प्रयोग किया जाने वाला सामान बरामद कर लिया है। गंडई से संवाददाता राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कल ग्राम देवपुरा जो गंडई से लगा हुआ है, एक महिला का घर के अंदर उसका मर्डर हुआ। उसके सर पर शायद किसी चीज से मारा गया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। इसमें क्या हुआ, आरोपी पकड़े गए? 4/11/2020 को है। प्रार्थी देवशरण शर्मा जो है ग्राम देवपुरा निवासी थाना गंडई में आकर के उसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि ये पूजा पाठ करने के लिए पंडिताई काम करने के लिए बाहर गया था अपनी पत्नी को घर में अकेला छोड़ करके। और उसके बाद में जब ये लौट के आया तो देखा कि इसे घर में बाहर में ताला बंद है, तो उसको अनहोनी की आशंका हुई। थोड़ी देर देखा, कुछ समझ में नहीं आया, तो पीछे से एक बच्चे को गाँव के भेजा, तो जाकर जो कूद करके उसके आंगन में घुसा, घर के अंदर देखा तो एकदम हतप्रभ रह गया। और मृतका सरोज जो प्रार्थी की पत्नी है वो रक्तरंजित अवस्था में, उसके सिर में चोट लगी हुई थी, पास में एक खटिया का पूरा पड़ा हुआ था। उस अवस्था में देखकर उसने बताया, फिर जाकर के सब लोगों ने देखा, थाने पे रिपोर्ट होने पे थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। सुषमा सिंह जो स्वयं महिला थाना प्रभारी है, उन्होंने 24 घंटे के अंदर संदेह की उत्ती को सुलझाने के लिए अपने पूरे दल बल के साथ में गाँव में कैंप किया। और वहाँ जाने के बाद उसको एक मुंबई से सूचना मिली कि यहाँ पे उसी घटना दिनांक को उसका दामाद जो है भिलाई में जो रहता है वो अपनी मोटरसाइकिल उसकी देखी गई है। तो इस बिंदु को डेवलप करते हुए इनने साइबर सेल की भी मदद ली और उसका सब लोकेशन को पता कि जब पूरा कंफर्म हो गया तो उसको उठाया। तो थोड़ी देर तो वो नानपुर करता रहा, बाद में वो अपना गुनाह को कबूल किया। और इसमें उसके द्वारा जो घर में आनंद फानंद में हड़बड़ी में भागते समय में ताला बंद करके जो भागा था, वो चाबी को उसके मेमोरेंडम पे बरामद किया गया है। और जाते जाते भागते समय में उसके शरीर में भी चोटें आई हुई, मोटरसाइकिल से कहीं पर एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका मुलाजा वगैरह कराया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसको इसमें टीम जो है सब इंस्पेक्टर खुश्याम साहू, मुस्किन खान, एएसआई हिम्मत यादव, स्वयं थाना प्रभारी, इनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा। आरोपी को रिमांड पे भेजा गया। हत्या करने की वजह क्या थी? हत्या करने की वजह मुख्य रूप से ये सामने में आ रही है कि उसने कुछ पैसे की डिमांड की थी और उसने उस मना कर दिया। उसके मना करने के उपरांत जो आरोपी जो है आवेश में आ गया, उसके खानदान को भला बुरा बोलने लगी थी मृतका जो है, उसमें आवेश में आकर के और पास ही पड़े खटिए। आपस में कुछ रिश्ते थे इनके? ये दामाद है उसका, मृतका का दामाद है। वो आना जाना रहता था, मृतका आंगनबाड़ी में पढ़ाने का काम करती थी, शिक्षिका थी। और उसका पति जो है वो पूजा पाठ पढ़ाई का काम करता था। दामाद आया हुआ था और किसी बात को लेकर उनके में अचानक से विवाद हुआ, जो कि पैसा लेने की बात थी, और उसने मना किया और उसके खानदान को भला बुरा बोला, तो दामाद आवेश में। आरोपी का नाम क्या? आरोपी विजय मिश्रा। उम्र क्या रहेगी सर इसकी? उम्र 40 वर्ष। क्या क्या धारा लगाए इसमें? धारा 302 है। तो आपके ये थाना प्रभारी सुषमा सिंह जी जो हैं, ये तो काफ़ी बधाई के पात्र हैं कि 24 घंटे के अंदर इस मामले को इन्होंने किया। तो इनको क्या ऊपर से कुछ? हाँ, इनके लिए जो भी टीम है उनको पुरस्कृत करने के लिए पुलिस निरीक्षक महोदय के पास भेजा जाएगा। सर एक बार फिर सर, पुलिस निरीक्षक महोदय के पास पुरस्कृत किए जाने के लिए प्रतिवेदन भेजा जाएगा पूरी टीम को। सर नाम बताएं? राजेश जोशी, SDOP गंडई। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.